नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हुल दिवस है और यहाँ पर जेपीएससी के जो छात्र हैं वो लोग एक नई क्रांति को आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं। जैसा आपको बता दें कि जेपीएससी जो छठी जेपीएससी है काफ़ी समय से विवाद में रही है, काफ़ी सारे बातों को इस पर ध्यान दिया गया था, हाईकोर्ट भी इसमें काम करने वाली थी, हेमंत सोरेन जो युवाओं का सरकार कहा जाता है उनसे भी काफ़ी सारी नाराज़गी इन छात्रों को है। हम लोग इनसे बात करते हैं क्या कुछ आज इनका मकसद है, आज हुल दिवस के अवसर पर ये लोग एक आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम लोग इनसे जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। आज हुल दिवस है, आप लोग एक और आंदोलन की बात कर रहे हैं आज हुल दिवस के ही अवसर पर, क्या आपकी मांग है, किस चीज़ को लेकर के आप लोग आज आंदोलन की एक नई पहल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आज हुल दिवस है और हम लोग अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। उन्होंने अपने बलिदान अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपना जान तक का कुर्बानी दे दिया और उसी के याद में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आने वाले समय में देख रहे हैं कि 20 साल हो गया, लगभग 21 साल को होने को है, यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ते ही जा रहा है। जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, ये भ्रष्टाचार को इसको अड्डा बना के रखा हुआ है। इसलिए एक नया उलगुलान की ज़रूरत है झारखंड में, एक नया हुल की ज़रूरत है और नई क्रांति की ज़रूरत है और उसका शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है। अभी पिछले एक महीना से हर ज़िले में जाकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं। और ये युवा सरकार जो कहकर आई थी सरकार सत्ता में, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, ना रोज़गार पर वो कायम रह सकी, ना महिलाओं के लिए, ना आंदोलनकारियों के लिए, ना शिक्षा पर। यहाँ सिर्फ शराब की बिक्री करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कुप्रथा बुराई के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया उलगुलान और नया हुल क्रांति शुरुआत होने वाला है झारखंड में और इसका आगाज समझिए आप हो चुका है। अभी हम लोगों का मांग है कि छठी जेपीएससी जो भ्रष्टाचार की जड़ है, यहीं से बीडीओ सीओ डीएसपी की नियुक्ति होती है, लेकिन पता चल रहा है कि पिछले 20 साल से इसमें नियुक्ति हो रही है जिसमें सिर्फ नेता मंत्री और अधिकारी अपने बाल बच्चों को ही अधिकारी बना दे रहे हैं और कम नंबर में नंबर जोड़ जोड़ के उन लोगों को पास कर दे रहे हैं और यहाँ के मेहनत करने वाले लड़कों को इंटरव्यू में कम नंबर देते हैं या आरक्षण का नियम का गलत तरीका से मतलब पलट पलट कर कानून को अपने सुविधा के अनुसार बनाकर ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी तो देखिए छठी जेपीएससी में हद हो गया है। छठी जेपीएससी में हम लोग 4 साल से कह रहे हैं कि रद्द कीजिए रद्द कीजिए। हेमंत सोरेन जी खुद 4 साल से इसमें प्रतिपक्ष में तो बोलते थे कि जैसे सत्ता में आएंगे रद्द करेंगे, उन्होंने ना ही रद्द किया, इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। अभी छठी जेपीएससी में कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 326 अवैध अधिकारी को हटा दिया जाए और जिसमें जेपीएससी में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन लोग पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन ना कार्रवाई कर रही है। ये हेमंत सोरेन सरकार भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, ये इनका भुगतना होगा, इनके लिए बुरा स्थिति होने वाला है और हम उनको आगाह करना चाहते हैं और उनसे आखिरी आवेदन निवेदन भी करते हैं और ये समझिए चुनौती भी है कि वो सुधर जाएं, समय रहते सही दिशा में वो काम करें, भ्रष्ट अधिकारियों को और भ्रष्टाचार के विरोध में काम करें। इमाम हमारे साथ एक युवक है जो जिन्होंने जेपीएससी का इंटरव्यू दिया था, हम लोग इनसे जानते हैं इनको क्या कुछ परेशानी हो रही है इस बार जो छठी जेपीएससी का इंटरव्यू इन्होंने दिया था। जी हेलो, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैम बताना चाहता हूँ कि छठी जेपीएससी स्टार्टिंग से ही विवादों में रही है, बट अब हम लोग इंटरव्यू के स्टेज तक पहुँचे थे और जिनका नहीं हुआ था, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि अब हाईकोर्ट जो निर्णय अपना सुनाई है, ऑनरेबल हाईकोर्ट जो बोले हैं कि ये जो 326 अभ्यर्थी है इनका चयन अमान्य है, अवैध है, तो हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्तियों को रद्द करें और नई मेरिट लिस्ट जारी करें। धन्यवाद जी। आपको क्या कुछ परेशानी हुई है छठी जेपीएससी के कारण? देखिए मैम, ये जो हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया कि सिख जेपीएससी जो हुआ है नियमली के विरुद्ध हुआ है, बहुत जो विरोध हुआ है उसके खिलाफ जो ये हाईकोर्ट अमान्य घोषित कर दिया है, तो वही उसी के चलते हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उस 326 अधिकारी है उन लोग को बर्खास्त किया जाए। तो आप लोगों ने सुना कि जो छठी जेपीएससी है काफ़ी समय से विवाद में रही है और इसको लेकर के हाईकोर्ट ने भी अपना डिसीजन दे दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्य नहीं देखने को मिल रहा है, किसी भी अधिकारी को अभी तक नहीं हटाया गया है और जिसको लेकर के जो छठी जेपीएससी के जो छात्र हैं वो लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।